बारिश के मौसम में सारी ही बीमारियां तेजी से फैलने लगती हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि हर जगह आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस का बहुत बोलबाला है। आज इस वीडियो में जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये होता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये घर में अगर एक बंदे को भी हो जाए तो दूसरों को फैलने का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है। ये सबसे पहले एक आंख से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे दूसरी आंख को भी चपेट में लेता है और उसके बाद आपके पूरे घर में भी फैल सकता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आपकी आंख लाल होना शुरू होती है, फिर उसमें दर्द होता है, फिर उसमें जलन होती है और फिर आपकी आंख से पीली स्टिकी पस भी निकलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी आंख थोड़ी कम खुलती है और अगर ये आपकी दोनों आंखों में हो जाए तो आपको दिखना बिल्कुल कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। आप कोशिश करें कि आप अपनी आंखों को बार बार ना धोएं। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप किसी भी चीज़ को छूने के बाद अपनी आंखों को हाथ ना लगाएं। अगर किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू है तो आप उससे थोड़ी दूरी बनाएं और कोशिश करें कि आप उसके सामने अगर जा रहे हैं तो आप भी काला चश्मा लगा लें और उसको भी कहें कि भाई काला चश्मा लगा लो। और तो और कोशिश करें कि अपनी आंखों के अंदर कोई भी पड़ा हुआ आई ड्रॉप ना डालें और अगर वो किसी ने यूज़ किया है तो बिल्कुल उससे दूरी बना लें। अब बात करते हैं कि ये बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा क्यों फैलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में आप देख रहे होंगे कि आसपास काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। इस वजह से हवा के अंदर भी काफ़ी बैक्टीरिया होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो आपके हाथों पे भी बैठता है प्लस आपके फेस पे भी बैठता है। यही बैक्टीरिया जब आपकी आँखों में घुस जाता है तो वह ऐसा वायरस पैदा करता है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी टिप्स आप फॉलो करने वाले हैं और आई फ्लू से बच के रहिएगा।